दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए केवल आपके पास 4 महीने हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बचे हुए 4 महीने में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि ताकि आप एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आप अपना टारगेट अपना प्राप्त कर सकें। टारगेट तो दोस्तों आपको 95% रहना चाहिए, और कैसे प्राप्त करना मैं आपको बताने वाला हूं। बस जो टिप्स बताऊं फॉलो करते हैं, गारंटी साथ दोस्तों बचे हुए समय का आप सदुपयोग करेंगे तो आप क्या आराम से 95% बना लेंगे। अभी से आप दोस्तों आपको लगना पड़ेगा, तब दोस्तों आपका जाकर आप कहीं बोर्ड एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाए। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है। क्लास 12th में आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ स्टूडेंट है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश ओके, अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में, अगर आर्ट आपका है तो जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट है सभी का 5 और 5 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कब कब होना चाहिए आपका? नवंबर तक या दिसंबर के पहले सप्ताह, मतलब दिसंबर से पहले ही आपको क्या है कंप्लीट आपको सिलेबस तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपकी बोर्ड एग्जाम है फरवरी में है तो आपको 1 महीने तो कम से कम 1 से 1.5 महीने पूरे रिवीजन के लिए चाहिए। ओके, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना लंबे समय तक याद रहेगा और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ओके, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे आप यूट्यूब से वीडियो देखें, चाहे आपकी कोचिंग के टीचर करवा दें, जैसा भी हो, लेकिन आपको पूरा आपको नवंबर के अंतिम दिनों में या फिर आपको क्या दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको क्या है अपना सिलेबस तैयार कर लेना है। आपका यहाँ यह बहाना नहीं चलेगा कि स्कूल के टीचर ने नहीं करवाया। ओके, जैसे भी हो आपको उसका प्रयास करना है। ओके, सिलेबस को कंप्लीट करते समय दोस्तों आपको क्या है सभी सब्जेक्ट की आपको क्या है नोट्स तैयार करके उन्हें भी कंप्लीट करना है, मतलब नोट्स से आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आपको प्रयास करना है कि आप अपने स्वयं नोट्स बनाएं। ओके, नोट्स बना, बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता ही हूँ, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आप अपने स्वयं से नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स का अलग ही फायदा रहता है, क्योंकि आपको उसमें पता चल जाता है कि कहाँ मैंने किस प्रकार से लिखा है, और पेपर में भी आपके क्या है लिखने की प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि पेपर में भी आपको लिखना है। तो आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपकी राइटिंग का भी थोड़ा ध्यान रहेगा। ओके, तो नोट्स आपको स्वयं बनाने का प्रयास करना है। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर रूप से आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। मैंने आपको यहाँ नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको नोट्स बनाना है कंप्लीट, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे तो फिर रिवीजन या पढ़ेंगे क्या, ये दिक्कत आती है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि नोट्स बनाते समय केवल उन्हीं टॉपिक के नोट्स बनाइए जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स में बात करूं, किरचॉफ का नियम आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, आपका वी डिस्टेंस सेतु हो गया है, तो आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण अच्छी स्थिति वाला जो आपको क्वेश्चन रहता, तो ये कुछ आपके सिलेक्टेड जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, कम से कम उनके आप अपने स्वयं से अपने हाथों से उनको लिखकर आप रखिए। और मेन भी दोस्तों आपका नोट्स बनाने का वही रहना चाहिए जिस तरीके से आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। बाकी प्रॉपर रूप से आपको मैंने आपको कहा जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको क्या है अपने आपको कोर्स में मिल जाएंगे। ओके, तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है पिछले 5 वर्ष के जो पेपर उनके प्रश्न को आपको तैयार करते जाइएगा। तैयारी तो वैसे आप नोट्स पढ़ते ही जाएंगे, लेकिन आपको क्या है अपने साथ चैप्टर वाइज चैप्टर पिछले 5 वर्ष के आपको जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें तैयार करिएगा, क्योंकि आपको पता है एमपी बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब मैं आपको यही सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं कि आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर है क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगा। ओके, बाकी दोस्तों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बताते जा रहा हूं उसमें मैं आपको बगल में लिख देता हूं कि किस वर्ष में आ चुका है क्वेश्चन। दोस्तों आप कहेंगे तो मैं भी सन वाइज सन पकड़ के सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के मैं आपको है प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको सभी विषय को समान महत्व देना है, विशेषता की बात हो रही है अंग्रेजी और हिंदी विषय की। तो आपको पता है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी, तो आप क्या जो आपके मेन सब्जेक्ट उनमें फोकस करते हैं और हिंदी को और मेन ऐसी प्रकार से छोड़ देते हैं, खास करके हिंदी की कुछ इज्जत कोई करता ही नहीं है। बाद में हिंदी क्या है फिर हिंदी में आपके कम नंबर आते हैं, परसेंटेज आपकी गिर जाती है, क्योंकि जो आपकी परसेंटेज बनती है 5 सब्जेक्ट के आपको मिला के बनती है। आपको पता है हिंदी और अंग्रेजी का उतना ही महत्व तो जितना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का रहता है, ओके, आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी का रहता है, सेम उसी प्रकार से आपका हिंदी अंग्रेजी का महत्व, तो इसको भी आपको समय देना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप 1-1 घंटे सभी को दे रहे तो हिंदी अंग्रेजी को आधे घंटा दे, लेकिन आपको क्या है समय इनको प्रॉपर रूप से देना है। हिंदी और अंग्रेजी का भी प्रॉपर आपको सिलेबस अभी 1 से 2 महीने में कंप्लीट कर देना है। बाकी मैं आपको क्या छोटी छोटी वीडियो लाकर एक टॉपिक को मैं आपको कवर कराते जाऊँ, हिंदी में अलंकार बता दिया, छंद बता दिया है आपको, रस बता दिया, अंग्रेजी में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके एडवर्टाइजमेंट लेटर नोटिस, ये मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही बताना स्टार्ट कर दिया है। तो क्रम से आप वीडियो देखते जाइए, प्लेलिस्ट पर जाकर प्रॉपर आपकी तैयारी होती जाएगी।
ओके, और अभी से आप क्या है टाइम टेबल बना दें और टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करने का भी प्रयास करें। टाइम टेबल बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जब खाली समय रहेगा तो आप सोचेंगे कि अब थोड़ा बड़ा समय है, चलिए मैं मॉल चला लेता हूँ, फिर आप सोचिए अब आज मुझे क्या पढ़ना है, आधा जो समय बहुत कम आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपको 5 से 6 घंटे या 10 से 5 तो आप स्कूल ही जाएंगे, आप सुबह आपकी अगर कोचिंग जाते हैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की तो सुबह शाम आप कोचिंग भी रहती है, तो पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। ओके, जो बीच में गैप मिला उसमें भी आपका है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल फिक्स है आपका रहना चाहिए कि मुझे पूरे दिन भर क्या करना है, आपका भी टाइम टेबल होना चाहिए कि आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके ये टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसा आपको टाइम टेबल बनाकर रखना है, जिससे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसके बाद जो आईएमपी आप क्वेश्चन आंसर जो तैयार करते जाएंगे उनका रिवीजन जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि उनका बहुत जिन क्वेश्चन की आपको पता है हर सब्जेक्ट में ऐसे बहुत सारे फिक्स टॉपिक है जिनको आना ही आना है। जैसे आपका हिंदी की बात करें तो कवि परिचय, लेखक परिचय, अलंकार, छंद वाला टॉपिक उनमें से क्वेश्चन रहने ही वाला है। ओके, अंग्रेजी में अगर दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट आपका नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब टॉपिक रहने ही वाले हैं, तो इनका आप दोस्तों अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ महीने भर महीने आपका रिवीजन करते जाइएगा, हफ्ते दो हफ्ते में या महीने में, लेकिन रिवीजन जरूर करते जाना है जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें। ओके, और जो आपके 4 महीने रह गए, 4 महीने आपके क्या बोर्ड एग्जाम के लिए आपको दे देना है। 4 महीने में आपको बिल्कुल भी मौज मस्ती नहीं करनी है। मौज मस्ती में आपका अगर आपका घूमना दोस्तों के साथ लंबी रात तक घूमते हैं या फिर आप क्या है लंबी लंबे समय तक आपके चैटिंग वगैरह करते हैं, तो ये सब आपको जितनी भी हरकतें हैं ये सब आपको छोड़ देनी है। 4 महीने, 4 महीने अगर आप दे देते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन बन जाएगा आपका। ओके, अच्छी परसेंट बन जाएगी, आपका नाम हो जाएगा, आपके माता पिता का नाम रोशन हो जाएगा, उनका गर्व होगा। ओके, तो ये 4 महीने अगर मेहनत कर लेते हैं लंबे समय तक आपको फायदा मिलेगा। और आपको पता है कक्षा 12वीं की जो परसेंटेज है वो हर जगह मान्य होती है, हर जगह उसी को लिया जाता है, उसी से आपका आगे भी आपको फायदा मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, एडमिशन लेंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जितना भी कम आपका समय बचता है उसको आपको अपने पढ़ाई पर देना है, मौज मस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही दोस्तों मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, देखिए आपको पूरे दिन में पढ़ने का काम करना, पूरे स्कूल में भी पढ़ने का काम करेंगे, कोचिंग वगैरह भी पढ़ने का काम करेगा रहेगा, याद करने का काम रहेगा। ओके, तो माइंड में बहुत ज्यादा आपका जोर रहने वाला है। ओके, आप बॉडी पर भी आपका रहने वाला है, तो आपको पूरे टाइम एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा ज्यादा कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करें, आधे घंटा एक घंटा जितना आप टाइम निकाल सके एक्सरसाइज करें, प्रकार की आप अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ ही अच्छा भोजन करें। ये पॉइंट भी मैंने अभी इसलिए ऐड करना चाहता हूं क्योंकि मैं नोटिस बहुत ज्यादा करता हूं अभी मैं अपने एरिया में, क्योंकि आपको पता है आज के समय ये फ्रेंच फ्राइज, ये चाउमीन वगैरह और ये मोमोज वगैरह आपके जो सब रहते हैं तो इसमें आप अगर खाते होंगे जिससे आपको क्या है डाइजेशन का भी दिक्कत हो सकती है, साथ ही ये जो भोजन है खाने में अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन आपको एनर्जी नहीं देते। और मैं आपको इसलिए अभी ज्ञान दे रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको डेढ़ 200 साल से ये बिल्कुल भी टच नहीं किया है। फायदा रहता है कि एनर्जेटिक रहेंगे आप, ओके, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे, एकदम शरीर आपका ऊर्जावान रहेगा और लंबे समय तक आप पढ़ने में आपको मन रहेगा, शरीर आपका हेल्दी रहेगा, तब आप क्या है ये सब इतना जो मैंने आपको बताया है तब अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप क्या है लगातार आपका क्या है आपके बुखार बीमार ये सब आपकी बीमारी हो जाती है, तो फिर पर अभी सब टॉपिक जो मैंने बात की है कुछ मतलब नहीं रह जाता है। पर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ओके, एनर्जेटिक रहेंगे, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए आपका घर का भोजन करें, अच्छा भोजन करें, और साथ ही दोस्तों जो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% है वो आपकी खुद की मेहनत दिलाएगी, क्योंकि आपको पता है कोई भी टीचर आपको गाइडेंस करता है, आपके स्कूल में भी टीचर पढ़ाता है, कोचिंग में ही मैं भी पढ़ाता हूँ, ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो अगर 95% बनाती है तो टीचर की मेहनत तो रहती है लेकिन उसमें उस स्टूडेंट की खुद की मेहनत रहती है, वो उसके डिसिप्लिन, उसका अनुशासन ही उसका क्या है काम करता है। तो अगर आप ये माइंड में याद रखिए कि आपकी कोई 95% आपकी कोई नहीं बनवा सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, वो आपको खुद की मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम लोग क्या है आपको गाइडेंस कर सकते हैं, मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए हैं, जो स्टूडेंट ने फॉलो करेगा वही 95% बनाएगा, नहीं तो वीडियो देखने वाले बहुत आएंगे स्टूडेंट, लेकिन जो मैंने फॉलो करेगा वास्तव में मेहनत करेगा वही क्या स्कोर कर पाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अपने पर विश्वास रखना है और लगातार मेहनत करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि सर मेरा क्या पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप अपने घर के कंडीशन देख लीजिए, अपने माता पिता का चेहरा याद करिए जो आपको कहे लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं कि मेरा जो बेटा अच्छा से पढ़ेगा या नाम रोशन करेगा या कहे जो स्थितियां चल रही हैं घर की वो बदल देगा। आई मेरी आप बात समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूं, ओके, इसलिए आप अपने माता पिता के कष्ट को देखिएगा, मेहनत को देखिएगा कि किस प्रकार से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा रहेगा, और उसके अलावा मेरे अनुसार कोई मोटिवेशन नहीं है। बाकी इन सभी पॉइंटों के साथ साथ आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, प्रॉपर रूप से जो मैं आपको चीजें बताते जाऊँ टॉपिक बाई टॉपिक, मैं आपको क्या है छोटे छोटे टॉपिक वीडियो ला कर मैं आपको एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर कराते जाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊँगा, प्रीवियस ईयर भी बताते जाऊँगा, जितना मैंने आपको कंटेंट मैं आपको भी बताया है सब मैं आपको क्या है आपको सहायता करूँगा आपके इस बोर्ड एग्जाम की जर्नी में, तो सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दोस्तों डाउट आता है तो आप हमें समय कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है 90 39 53 44 79, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप इसके बारे में पूछ ही सकते हैं, बाकी और भी कोई अगर दिक्कत आती है फिर भी दोस्तों मुझसे आप क्या है बात कर सकते हैं। ओके,
यही मेरे अनुसार यही सब पॉइंट थे जिससे आप क्या अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, कुछ ज्यादा बड़ा फंडा नहीं रहता है, बस अच्छे से आपको पढ़ना है प्रॉपर रूप से डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं कि मैं आपने वीडियो आज देखी है, बस दो तीन दिन पढ़ेंगे फिर आपका अपनी वही डेली रूटीन अपनाने लगे। ओके, मेहनत करनी पड़ेगी, 3 से 4 महीने आप लगातार मेहनत करिए, आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।